हाई एवरी वन, सो वेलकम टू माई चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज़। माई सेल्फ खुशबू सिंह, और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कॉटन की नौवारी साड़ी की ड्रेपिंग 3 अलग अलग मराठी स्टाइल में लेकर आई हूँ। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अपनी कॉटन की साड़ी दिखा देती हूँ, जो कि है 9 यार्ड की, यानी 9 मीटर की साड़ी। तो ये सेम साड़ी अगर आपको चाहिए होगी तो आप एक बार मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको इस साड़ी की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ड्रेपिंग। तो हमारा जो फर्स्ट स्टाइल है वो है नौवारी कास्ठा स्टाइल। इस स्टाइल के लिए हम साड़ी की सबसे पहले तो कॉर्नर को इस तरीके से लेंगे और अपने राइट हैंड साइड पे, मीन्स जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, हम उस साइड से एक नॉट यहाँ पे बना लेंगे। अब एक गांठ बनाने के बाद हम अपने पैरों के बीच से पीछे वाली फैब्रिक को और अपने लेफ्ट साइड पे फैब्रिक को टाइट करते हुए ऐसे करके सामने में हम टक कर देंगे। बची हुई साड़ी की जो लेंथ है उसकी पल्लू की फैब्रिक को हमें लेना है और इनको हमें रफली गैदर करना है। ये है इसकी पल्लू और इसको अब मैं रफली गैदर करूँगी एंड देन इनको पीछे की साइड से घुमाते हुए मैं अपने लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रख लूँगी। यहाँ पे आपको जितनी लंबी आपको पल्लू की लेंथ चाहिए होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंथ आपको रखना है। और अब कमर के पास वाली जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर टक करके छोड़ देंगे। अब सामने की तरफ साड़ी की जितनी लंबी लेंथ बची हुई है उस लेंथ को हम प्लीट्स में यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी प्लीट्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि अगर पतली प्लीट्स बनी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जो फैब्रिक जमा होगी प्लीट्स वाली तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लीट्स बनाकर अब इनको हल्का सा जर्क दे ले रही हूँ ताकि सारे फैब्रिक जो रहे वो फ्री हो जाए। अब इन सारे प्लीट्स को हमें अपने राइट की तरफ घुमाना है। राइट की तरफ लेग पे जो यहाँ पे चुन बन रही है इस चुन को हमें अंदर की तरफ ही हाइट करना है। अब अपने लेफ्ट साइड से फैब्रिक को हमें इतना निकाल कर छोड़ देना है, क्योंकि इस फैब्रिक में हम अपने सामने वाले प्लीट को इनमें राउंड करेंगे। तो हमें इन सारे प्लीट को इस फैब्रिक में ऐसे फोल्ड कर देना है। काफ़ी अच्छे से हमें इनको फोल्ड करना है। और जब ये फोल्ड हो जाती हैं तो फिर ऊपर की तरफ जो बची हुई प्लीट्स हैं उनको हम अपने ठीक बेली बटन के पास ऐसे टक कर देंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि कमर के पास वाली जो बॉर्डर है वो हमारे कमर पे अच्छे तरीके से बैठ जानी चाहिए। तो ये जब इतने स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम अपनी पल्लू की फैब्रिक को यहाँ पे अरेंज करेंगे। पल्लू की प्लीट्स यहाँ पे जिगजैग तरीके से बनेगी, इसलिए हमें ऊपर वाली बॉर्डर को सबसे पहले तो अपनी शोल्डर पे रखना है। नीचे वाली जो बॉर्डर है इसको हमें अपने नीज़ में इस तरीके से फंसाना है। हमें अपने नीज़ को आगे की तरफ निकालना है ताकि ये जो यहाँ पे पल्लू आएगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे सामने वाले पोर्शन पे सेट हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमने घुटने पे अपना बॉर्डर फंसाया है उस बॉर्डर को ऊपर की तरफ रखकर हम 1 बाय 1 सारे प्लीट्स को इसमें अरेंज कर देंगे। अगर आप मेरी बात मानिए तो प्लीट्स आप अगर पतली ही रखोगे इसमें तो ज़्यादा वो सुंदर लगेगी इस लुक के साथ। तो जब यहाँ पे आप प्लीट्स अरेंज कर लेते हो तो फिर आप अपनी ठीक शोल्डर लाइन के थोड़ा सा नीचे जाकर आप शोल्डर पिन लगा लीजिए। अब हमें क्या करना है कि सामने की तरफ वाली जो हमने प्लीट्स अरेंज की थी यहाँ पे हमें अपने राइट की तरफ से 5 प्लीट्स काउंट करने हैं और जो हमारी 6ठी प्लीट्स आएंगी उन्हें हमें पीछे की साइड से उठाना है। पैरों के बिल्कुल बीचों बीच से हमें इनको पीछे की साइड पे ले जाना है और बिल्कुल टाइट करते हुए हमें अपने बैक साइड पे
इनको लगा देना है। यहाँ पे आपकी जो बॉर्डर होगी वो बिल्कुल उल्टा हो जाती है, तो इसलिए आपको हल्का सा इनको पीछे की साइड पे अरेंज करना होगा एंड देन इनको आपको पीछे की साइड पे टक कर देना है। उसके बाद आप एक वेस्ट चेन अप्लाई कर लीजिए। वेस्ट चेन से ये लुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। और अब यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। तो कितनी आसानी से नौवारी कास्ट हेयर स्टाइल की ये ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइज, अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो ये जो नौवारी कास्ठा स्टाइल है इसको आप केवल 9 मीटर की साड़ी में ही ड्रेप कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल लेंथ हो सकता है आपके लिए कम पड़ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टाइल की तरफ, जो कि है नौवारी जिगजैग स्टाइल। इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी फैब्रिक को रखना है और ठीक हमें अपने बेली बटन के पास बिल्कुल 2 टाइट नॉट बनाना है। तो इस जिगजैग स्टाइल में सबसे पहले तो हम अपने लेफ्ट साइड की फैब्रिक को अरेंज करेंगे, जिसके लिए लेफ्ट वाली जो फैब्रिक है इसको हम अपने पैरों के बीच से पीछे की साइड पे ले जाएंगे और सामने की तरफ वाली बॉर्डर को सीधा रखकर ऊपर की तरफ रखकर हम इनको प्लीट्स में अरेंज कर देंगे। प्लीट्स यहाँ पे आप थोड़ी सी चौड़ी ही बनाइए, क्योंकि हमें इनको पीछे की साइड पे टक करना है तो हमारा बैक साइड जो रहे वो ज़्यादा बल्गी नहीं दिखनी चाहिए, तो इसलिए हम प्लीट्स चौड़ी बनाएंगे और पीछे की साइड पे इनको टक कर देंगे। टक करने के बाद हम एक बार ऐसे फैब्रिक को प्रेस करते हुए हल्का सा बेंड होंगे और इनको सेट कर देंगे। अब जो बची हुई यहाँ पर फैब्रिक है हमारी राइट की तरफ, इसको भी हम रफली गैदर करेंगे और अपने पैरों के बीच से पीछे की तरफ ले जाएंगे। सारे फैब्रिक को हम पीछे की तरफ अरेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फैब्रिक को बस हमने रफली गैदर करके अपनी राइट साइड पे पल्लू की केवल लेंथ हमने मेज़र की थी। अब हम पल्लू को यहाँ पे प्रॉपर सेट करेंगे, जिसके लिए पहले तो हम इनको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको जिगजैग तरीके से पल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जैसे साड़ी वियर करते टाइम पल्लू सेट करते हो ठीक वैसे ही आप यहाँ पे इनको सेट कर सकते हो। तो जब ये सेटिंग हो जाती है तो फिर आप अपने पीछे की साइड पे शोल्डर पिन लगा सकते हो। पल्लू की लेंथ आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घुटने से ऊपर थोड़ा सा रख सकते हो। अब यहाँ पर अपने राइट साइड पर आप एक प्लीट बना लीजिए और बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पीछे घुमाते हुए और पीछे की साइड पे आप इनको टक कर दीजिए। इस तरीके से आपकी बिल्कुल प्रॉपर नीटली आपको इनको टक करना है। और अब सामने की तरफ जो बची हुई फैब्रिक रहेगी इनको सबसे पहले तो हम प्लीट्स में अरेंज करेंगे। सेम मैं आपको बोलूँगी, इस स्टाइल में भी आप प्लीट्स की चौड़ाई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, पतली हमें बिल्कुल भी प्लीट्स अरेंज नहीं करनी है, क्योंकि इससे प्लीट्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और फिर इनकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाएगी तो फिर इनको टक करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे प्लीट्स मैंने बना ली है, इनको अब मैंने टक कर दिया। अब जिगजैग स्टाइल में क्या होता है कि ऊपर वाली प्लीट की लेयर को हमें ऐसे लेना है और अपने लेफ़्ट साइड पर हमें इनको ऐसे टक करना है। नीचे की तरफ की फैब्रिक उठाने से पहले आप इनको बेल लाइक शेप दे दीजिए। पहले इस तरीके से आपको हल्का सा इनको बेल लाइक शेप देना है और पहली वाली जो हमने फैब्रिक टक की थी उसकी कॉर्नर पे जाकर हमें सेफ्टी पिन से इनको सेट करते हुए जाना है। तो ये जो स्टाइल है इसे करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो फिर आप सब आसानी से सीख सकते हो और आप खुद भी इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि केवल अगर आप इसको देखकर छोड़ दोगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जब आप इसको ट्राई करो तो हो सकता है आप भूल जाएं या फिर आपसे ना हो पाए। तो इसलिए इसको एक बार आप देखिए और फिर अपने तरफ से भी आप ज़रूर कोशिश कीजिए। तो जब ये ड्रेपिंग कंप्लीट आप कर लेते हो तो एक वेस्ट चेन आप ज़रूर अपने साथ कैरी कीजिए, क्योंकि इससे ये लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो ये तो था हमारा नौवारी जिगजैग स्टाइल। अब हम अपने फाइनल स्टाइल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा नौवारी नीवी स्टाइल। इस स्टाइल के लिए आपको अंदर में पेटीकोट वियर करनी है और पेटीकोट की नॉट आप अपने फ्रंट पे टाई कीजिए।
अब साड़ी की जो कॉर्नर है जिसको हम अपने राइट हैंड साइड से टक करेंगे, वहाँ पे आप एक नॉट बना लीजिए। तो साड़ी में जितनी भी फैब्रिक आती है ना, उस फैब्रिक में कॉटन की जो फैब्रिक होती है बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, इसलिए बहुत कोई इसको डेली वेयर करने वाले साड़ी में भी यूज़ करते हैं। तो जब आप साड़ी की एक राउंड इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर आपको आ जानी है अपनी पल्लू की फैब्रिक पे। पल्लू यहाँ पे हम कैसे सेट करेंगे उसको आप ध्यान से देखिए। बहुतों की जो पल्लू होती है वो कॉटन की साड़ी में ठीक से अरेंज नहीं हो पाती। तो आप क्या कर सकते हो कि फैब्रिक को आप सबसे पहले तो पीछे की साइड से घुमाकर सामने की तरफ रख लीजिए और सीधा अपने पल्लू को ऐसे पकड़िए, बिल्कुल अपने सामने ऐसे सीधा करके पल्लू पकड़ लीजिए, और जो बॉर्डर आपके लेफ्ट हैंड पे आ रही है इस बॉर्डर से आपको स्टार्ट करना है प्लीट्स बनाना। प्लीट्स बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि अपने दो फिंगर को अपने ठीक बॉर्डर के टिप पे रखिए और अपनी रेस्ट फिंगर से आप बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो मेंटेन कीजिए। ठीक वैसे ही जिगजैग करते हुए आप इनको अरेंज कर लीजिए। जब आप अरेंज कर लेते हो तो इनको गैदर करने से पहले आप फैब्रिक को हल्का सा ऐसे झटक दीजिए ताकि जितनी भी प्लीट्स गैदर हुई हैं वो अच्छे तरीके से पहले तो फ्री हो जाएं। जब ये फ्री हो जाएगी तो फिर आप इनको आसानी से गैदर कर सकते हो, क्योंकि सारे प्लीट्स बाहर आसानी से दिखते हैं। तो ऐसे अगर आप इनको अरेंज करोगे तो फिर आपके लिए क्या होगा कि वो आसान हो जाएगा और प्लीट्स कोई भी छोटी बड़ी या पतली मोटी अरेंज नहीं होगी, सारे के सारे प्लीट्स एक समान साइज़ में ही अरेंज हो जाएंगी। अब आप अपनी शोल्डर पिन लगा लीजिए। यहाँ पे केवल ये वाली साड़ी मैं आपको एक सेफ्टी पिन के साथ ड्रेप करना सिखाऊंगी। तो बॉर्डर को आप घुमाकर अपने कमर के पास ऐसे ले आइए और फिर कमर के पास फैब्रिक को आप ऐसे केवल मेज़र करके छोड़ दीजिए। इतनी फैब्रिक मैं यहाँ पे अपने साइड पे रख दे रही हूँ। अब हमें राइट की तरफ से भी हल्का सा फैब्रिक को ऐसे छोड़ना है और इनको प्लीट में अरेंज करने से पहले हम इनको हल्का सा पहले झटक देंगे। अब आप फैब्रिक को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए और फिर वन बाय वन करके सारे फैब्रिक को आप प्लीट्स में अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे पहले तो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ, क्योंकि ये 9 मीटर की साड़ी है इसलिए सामने की जो प्लीट है मैं यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी ही रख रही हूँ। अगर पतली पतली अरेंज करूँगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगी और प्लीट को जब हम टक करेंगे तो ये हमारे पेट के पास ज़्यादा बलगीत दिखेगी। तो जब सारे प्लीट यहाँ पे अरेंज हो जाते हैं तो राइट की तरफ की फैब्रिक को हमें थोड़ा सा चौड़ा करना है और फिर अपने ठीक बेली बटन के पास हमें इनको टक कर देना है। अब हमने जो लेफ्ट की तरफ फैब्रिक छोड़ी थी उसको हमें अपने राइट की तरफ से अपने हैंड को इन करना है और फैब्रिक को अपने साथ राइट की तरफ इनको निकालना है। कॉटन की साड़ी है इसलिए थोड़ी सी चिपक जाती है, तो आपको काफ़ी सावधानी से इनको निकालना है और इनको जब आप टाइट करोगे तो हल्का हल्का सा अपने लेफ्ट साइड की हैंड से आप इनको सेट करते हुए जाइए और फिर फैब्रिक को ट्विस्ट कीजिए। देन इनको मोड़ कर आप एक नॉट बना दीजिए, फिर इस नॉट को आप अपनी राइट की तरफ इनको टक कर दीजिए। बची हुई राइट की तरफ जो फैब्रिक रहेगी उसको हम ठीक उसी जगह पे ही ऐसे टक कर देते हैं। सो गाइस, आपको इन तीनों स्टाइल में कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।